गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये सुपर डिलीशियस तवा पुलाव की रेसिपी। जब आपके घर में कोई अचानक से मेहमान आ जाए एंड आपको कुछ डिलीशियस साइडर बनाना है दाल भात के अलावा, तो ये आप बना सकते हैं। सो रेसिपी को एंड तक देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 1/3 कप जितना बासमती राइस, इसे हम बाउल में ऐड कर देंगे। और इसमें हम लोग ऐड करने वाले हैं पानी, तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे हम लोग वॉश कर देंगे अच्छे से। सो दो या तीन बार अच्छे से इसको वॉश कर लेना है, फिर इसके अंदर का जो पानी होगा वो उसे हम लोग फेंक देंगे। तो सबसे पहले हम लोग एकदम खिली खिली राइस कैसे प्रिपेयर करनी है वो भी इंस्टेंटली, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अच्छी से वॉश करके पानी ड्रेन करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, फिर इसे हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करने देंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट तक रेस्ट करने दीजिए, फिर जो ये वाटर है उसको आप लोग साइड में निकाल लेना। फिर हम लोग पानी गरम कर लेंगे। जैसे पानी गरम होता है इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और ऑयल ऐड कर दीजिए, फिर उसमें ये सोक की हुई राइस ऐड कर दीजिए। फिर इसे हम एक बार अच्छी से स्टर कर लेंगे। इसे हमें मैक्सिमम 10 मिनट्स के लिए बॉईल करना है, कुछ इस तरीके से दिखेगा वो। 10 मिनट के बाद हम लोग इसे चेक कर लेंगे, ये 80-90% ही कुक होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ, तो इसके बाद यहाँ पे ये एकदम परफेक्टली टूट जा रहा है एंड ये 80-90% जितना ही कुक हुआ है। तो बस ये स्टेज पे हम लोग गैस का फ्लेम बंद कर देंगे एंड इसमें जो पानी है वो उसे निकाल देंगे एंड इसे स्ट्रेन कर देंगे। फिर ये राइस को हम लोग ये प्लेट में निकाल देंगे और इसे हम लोग फैला देंगे अच्छी तरीके से, जिससे कि इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है वो भी निकल जाएगा एंड ये खिले खिले राइस बन करके रेडी होंगे। इसे हम लोग फिलहाल साइड में रख देंगे, तब तक दूसरी प्रिपरेशन कर लेंगे। सो सबसे पहले एक पैन लेंगे जिसमें हम ऐड करेंगे 3-4 टेबलस्पून जितना ऑयल। जैसे ही गर्म हो जाता है इसमें जीरा ऐड कर देंगे, उसी के साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा लहसुन चॉप करके एंड थोड़ी सी ग्रीन चिलीज। इसे 30 सेकेंड्स के लिए हमें अच्छी तरीके से सौते कर लेना है। गैस का फ्लेम हम लोग मीडियम रखेंगे। इसके सौते होने के बाद इसमें चॉप की हुई ऑनियंस ऐड कर देंगे एक बड़ी साइज की एंड इसे भी हम लोग 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम में सौते कर लेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनियंस अच्छी से सौते हो चुकी है। इसके बाद इसमें हम चॉप करके टमाटर ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे एक ही टमाटर ऐड करें मीडियम साइज का बस। इसे भी हम एक बार अच्छी से सौते कर लेंगे। इसे भी हमें ओवरकुक नहीं करना है, एक बार सौते हो जाएगा फिर हम इसमें कैप्सिकम ऐड कर देंगे। कैप्सिकम ऐड करने के बाद इसे हम सिर्फ एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे एंड देन इसमें हम लोग ऐड करने वाले मसाले। सो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, फिर रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला एंड उसी के साथ ऐड करेंगे सूखा धनिया का पाउडर बस। थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दीजिए। 1 टेबलस्पून जितना मक्खन ऐड करेंगे, जिससे कि क्रीमी टेक्सचर आएगा, थोड़ा सा राइस में एंड बटरी फ्लेवर आएगा। इसे एक बार हम लोग अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, जिससे कि जो मसाले हैं वो भी अच्छी से कुक हो जाए। तो ये देखिए अच्छी से सौते हो चुके हैं मसाले। अभी हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने फ्राइड किए थे या तो फिर शैलो फ्राई किए थे जो सब्जियों को, वो सारी की सारी सब्जियाँ इसमें ऐड कर देनी है। आपकी फेवरेट सब्जियाँ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सब्जी ऐड करने के बाद इसे सिर्फ हम लोग एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम लोग ऐड करने वाले हैं राइस जो हमने अच्छी से कुक करके रखी थी। तो आप देख सकते हैं ये जो राइस है वो एकदम खिली खिली प्रिपेयर हुई है, तो इसके वजह से जो हम लोग तवा पुलाव बनाएंगे वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। जो हम लोग रेस्टोरेंट में खाते हैं या तो फिर स्ट्रीट में खाते हैं उसी तरीके से ये टेस्ट करता है। इसे हम लोग मीडियम टू हाई फ्लेम में एक बार सौते कर लेंगे, जब तक ये एकदम परफेक्टली मिक्स ना हो जाए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये पुलाव को हमने एकदम अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसका जो कलर है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा आया है एंड मिक्स करने के बाद भी ये एकदम परफेक्ट खिला खिला बन करके रेडी हो गया है। अब हम इसे फाइनल टच देंगे। इसके लिए इसमें हम लोग एट दी एंड ऐड करने वाले हैं थोड़ा सा लेमन जूस एंड इसी के साथ हम लोग ऐड करने वाले हैं फ्रेश कोरिएंडर लीव्स फ्रेशनेस के लिए। बस इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद इसे हम हाई फ्लेम में एक बार अच्छी से सौते कर लेंगे एंड इसके बाद ये सुपर डिलीशियस तवा पुलाव है वो बन करके रेडी हो गया है।
आप ये पुलाव को पाव भाजी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेलीशियस बनेगा। एंड ये देखिए एकदम खिला खिला पुलाव बन करके रेडी है। इसे हम लोग गर्मा गर्म सर्व करने वाले हैं। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें दही के रायता के साथ, या तो फिर दही की जो चटनी प्रिपेयर करते हैं उसके साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। फाइनली इसको हम गार्निश करने वाले हैं थोड़े से फ्रेश कोरिएंडर लीव्स के साथ। एंड ये सुपर डिलीशियस तवा पुलाव बन करके रेडी है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करना एंड रेसिपी को सेव कर दीजिएगा। एंड मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा अमेजिंग न्यू रेसिपीज लेके आऊँगी जो आप घर पे बहुत ही ज़्यादा इजी वे में बना करके रेडी कर सकते हैं एंड आप लोग इम्प्रेस कर सकते हैं जो भी घर पे मेंबर्स है उसको। सो ये रेसिपी को ट्राई करें एंड एंजॉय करें एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।